बेहद खास है तिरुपति बालाजी में मिलने वाला प्रसाद का लड्डू, कीमत जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। 300 साल पुराना है इस लड्डू का इतिहास। आधार कार्ड से मिलता है दुनिया के सबसे अमीर मंदिर का ये प्रसाद। अब इस लड्डू को लेकर छिड़ा विवाद, प्रसाद में 3 जानवरों की चर्बी होने का दावा। मंदिर की रसोई में हर दिन तैयार होते हैं 3.5 लाख लड्डू। खास तरीके से बने इस लड्डू को मिल चुका है GI टैग। वीडियो में जाने मंदिर से जुड़ी खास बातें। तिरुपति के प्रसाद के रूप में बनने वाला लड्डू विवादों के घेरे में आ गया है। एक लैब की जांच में इसमें बीफ की चर्बी और मछली का तेल पाया गया है, जिसके बाद इस पर बवाल मच गया है। कांग्रेस ने तो इसकी बकायदा CBI जांच की मांग कर दी है। हालांकि आइए जानते हैं कि ये लड्डू इतनी चर्चा में क्यों है और इसकी क्या खासियत है, इसे किस तरह से बनाया जाता है। तिरुपति माला मंदिर पूरे देश में चर्चित है और इसकी बड़ी प्रतिष्ठा है। बड़ी बड़ी हस्तियां यहां दर्शन के लिए आती हैं। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में शेषाचलम पर्वत पर मौजूद है और ये दुनिया के सबसे अमीर तीर्थ स्थलों में से एक है। वेंकटेश्वर भगवान के इस मंदिर को राजा तोंडमन ने बनवाया था। बाद में चोल, पांड्या और विजयनगर के राजवंश ने भी इस मंदिर में अपना योगदान दिया। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 11वीं सदी में रामानुजाचार्य ने की थी। इस मंदिर में सोने के चढ़ावे की खबरें खास चर्चा में रहती हैं। मंदिर में हर दिन औसतन 1 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और दान भी देते हैं। मंदिर की दान पेटियों में रुपए के साथ जेवरात चढ़ाने का भी चलन है। इस चरण के पीछे एक दिलचस्प कहानी भी है। बता दें कि प्राचीन काल में ऐसा माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर जब पद्मावती से विवाह रचा रहे थे तो उनके पास धन की कमी पड़ गई। इसके लिए वो धन के देवता कुबेर से 1 करोड़ सोने की गिन्नियां मांगी। इसके बाद से ये मान्यता चली आ रही है कि भगवान वेंकटेश्वर पर अब भी वो कर्ज है जिसे उन्होंने धन के देवता कुबेर से लिया था। इसलिए श्रद्धालु इस कर्ज को चुकाने के लिए यहाँ दिल खोलकर दान करते हैं। तिरुमाला के इस मंदिर में हर साल लगभग 1 टन सोना चढ़ाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के अंदर कई सोने और जेवरात है। मजबूत दीवार से घिरे मंदिर के परिसर में फोटोग्राफी की मनाही है। यहाँ चढ़ाए जाने वाले प्रसादों में लड्डू सबसे खास है। इसे खास तरीके से पिछले 300 साल से बनाया जा रहा है। उस विधि को आज भी उसी तरह से अपनाया जाता है, लेकिन ये लड्डू अब विवादों में घिर गया है। आइए जानते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं, मंदिर में मिलने वाले लड्डू का खास महत्व क्या है, क्योंकि ये भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर का विशेष प्रसाद है। बता दें कि मंदिर का संचालन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी कि TTD ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। इन लड्डुओं को जियोग्राफिक इंडिकेशन यानी कि GI टैग मिला हुआ है। ये ऐसे उत्पादों को मिलता है जिनकी खासियत और प्रतिष्ठा उस जगह की वजह से होती है जहाँ वे बनाए जाते हैं। इस मंदिर में एक गुप्त रसोई घर है जहाँ पर ये लड्डू तैयार किया जाता है। इस रसोई घर को पोटू कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ हर रोज हजारों लड्डू बनते हैं। बता दें कि मंदिर परिसर में 3 तरीके के लड्डुओं का वितरण किया जाता है, एक छोटे साइज में, दूसरा मध्यम साइज में और तीसरा बड़े साइज में। छोटे साइज के लड्डू का वजन 40 ग्राम होता है, मध्यम साइज के लड्डू का वजन 175 ग्राम होता है, जबकि बड़े लड्डू का वजन 750 ग्राम यानी कि करीबन 1.25 किलो के आसपास होता है। वहीं हर श्रद्धालु को एक छोटा लड्डू मुफ्त में दिया जाता है, जबकि मध्यम लड्डू के लिए 50 रुपए और बड़े लड्डू के लिए 200 रुपए अलग से देने होते हैं और आधार कार्ड भी दिखाना होता है ताकि आपको प्रसाद मिल सके। बता दें कि 2023 में इसको लेकर जारी एक नोटिफिकेशन को लेकर विवाद भी हुआ था। इसमें इन लड्डुओं को ब्राह्मणों से ही बनवाए जाने की बात कही गई थी, जिसके बाद विवाद छिड़ गया था। वहीं अब तिरुपति में मिलने वाले इस प्रसाद रूपी लड्डू में जानवरों की चर्बी और फिश का ऑयल मौजूद होने की बात कही गई है। बता दें कि तिरुपति लड्डू के नमूने गुजरात स्थित पशुधन प्रयोगशाला में भेजे गए थे। नमूना प्राप्ति की तारीख थी 9 जुलाई 2024 और प्रयोगशाला की जो रिपोर्ट सामने आई है 16 जुलाई 2024 को सामने आई है। हालांकि हम किसी भी तरीके से प्रसाद रूपी इस लड्डू में जानवरों की चर्बी या फिर फिश ऑयल होने की बातों की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अगर इन दावों में तनिक भी सच्चाई है तो फिर ये बेहद हैरान करने वाली बात है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वहां मंदिर में मिलने वाले इस प्रसाद के बारे में हर किसी को विस्तृत जानकारी हो सके। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।